अतीक अहमद अब योगी सरकार के शिकंजे में कस चुका है। अब अतीक अहमद को लेकर कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा फैसला होगा जिसके तहत अतीक अहमद अब बचने वाला नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, अतीक अहमद पर शिकंजा कसने को लेकर अब साबरमती जेल से प्रयागराज जेल तक अतीक अहमद का सफ़र चलता है। यही कुछ मिनटों का सफ़र, यही कुछ घंटों का सफ़र और यही सफ़र जो सड़क के दौरान तय किया जाता है, इसी में अतीक अहमद का पूरा इतिहास देख लिया जाता है। कब से अतीक अहमद ने अपने इस माफिया दुनिया की शुरुआत की और किस तरीके से इस डॉन पने को उन्होंने ख़त्म किया, इसी तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जिस तरीके से अतीक अहमद तो गिरफ्तार है, वहीं उनके भाई भी गिरफ्तार हैं, बेटा भी गिरफ्तार है, पत्नी फरार है। कुछ तस्वीरें सामने आती हैं साइस्ता प्रवीण की, जो अतीक अहमद की पत्नी है, वो गायब हैं, वो पुलिस से बचती हुई भाग रही हैं, क्योंकि इस गुनाह में, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल है और इसी शामिल होने के कारण आधा परिवार जेल में है तो आधे लोग फरार हैं। तो ऐसे में अतीक अहमद को लेकर काफ़ी कुछ सियासी हलचलें उत्तर प्रदेश में आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उनकी पत्नी और उनकी माँ का बयान सामने आता है। ये बयान बहुत ही भावुक होता है और अतीक अहमद पर पूरा गुस्सा निकालती हुई उनकी माँ रोते रोते काफ़ी कुछ कहती हुई नज़र आती हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दरअसल अतीक अहमद के ख़िलाफ़ उमेश पाल की माँ ये सब बयां देती हैं कि अतीक अहमद को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करना चाहिए, उनके खिलाफ यहाँ पर फैसला सुनाना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा हो, वो भी भुगतें किस तरीके के दर्द में मेरा बेटा गुजरा होगा। उन्होंने बताया उस वक्त जब यहाँ पर अतीक अहमद ने उमेश पाल को किडनैप किया था, 3 दिन तक टॉर्चर किया था और 4th दिन उसको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और आखिरकार उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी हत्या के बाद उस पूरे परिवार में डर का माहौल पैदा हो जाता है और वहाँ पर उनकी माँ कहती हैं कि हमें CCTV फुटेज लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, CCTV कैमरे वहाँ पर लगवाए जाते हैं घर के आसपास ताकि कोई घटना दोबारा ना घट सके, उनके परिवार में कोई शिकार ना हो सके अतीक अहमद का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के साथ साथ उनकी माँ का रोका बुरा हाल है, वो रोती रोती काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। तो उसी के साथ उनकी पत्नी भी खुलासा करती हैं, उनकी पत्नी कहती हैं कि अब अतीक अहमद को समझ में आएगा कि किसी की जान जाना कितना बड़ा गुनाह होता है। तो अब ऐसे में वो कोर्ट से गुहार लगाती हैं और तुरंत से तुरंत फैसला लेने की मांग करती हैं। लेकिन ये काफ़िले के बीच एनकाउंटर की खबरें भी सामने आती हैं, तो लेकिन एनकाउंटर इतना आसान नहीं है किसी का करना, लेकिन कोर्ट से फैसला आना बहुत ज़रूरी है। जिन धाराओं के तहत अतीक अहमद को गुनहगार समझा जा रहा है, वहाँ पर फांसी के तहत उम्र सजा की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अतीक अहमद पर शिकंजा अभी भी कसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ माफिया राज खत्म करने में अतीक अहमद पर अब अपना निशाना साध बैठे हैं। माँ का रोका बुरा हाल है, माँ रोते रोते काफ़ी कुछ बयां करती है, पत्नी भी रोते रोते काफ़ी कुछ कहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पहलू दिखाई देते हैं, एक कोर्ट से गुहार लगाते हुए उमेश पाल का पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, तो वहीं अतीक अहमद पर एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं अतीक अहमद के खिलाफ देखा जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए कोर्ट के फैसले के अनुसार, या सीधा एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, क्या है आपका कहना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।